नमस्कार दोस्तों, सत्योदय मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। अगर आपने स्वतंत्र भारत या फिर आजादी की लड़ाई के बारे में सुना होगा या गांधी परिवार के बारे में सुना होगा तो आपने भी संजय गांधी के बारे में जरूर सुना होगा। तो आज का हमारा वीडियो संजय गांधी जी के ऊपर बेस्ड है और उनकी मृत्यु आखिर कैसे हुई, इन सभी बातों को आज हम डिटेल से जानेंगे। स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में कई बार बहुत ही ज़्यादा बड़े बदलाव लाने वाले मोड़ आ जाते हैं या फिर देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से एक है 23 जून 1980 का वो दिन जब एक विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मौत हो गई थी। वैसे तो संजय गांधी कभी किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जैसे किसी संवैधानिक पद पर नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में उनका रुतबा और जलवा या फिर दखल बहुत ज़्यादा हुआ करता था। माँ इंदिरा गांधी की राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी माने जाने वाले संजय गांधी की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसके बाद देश की राजनीतिक दिशा ही बदल गई थी। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के दूसरे बेटे के रूप में संजय गांधी का जन्म नई दिल्ली में 14 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के वे छोटे भाई थे। स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग को अपना कैरियर चुना और इंग्लैंड को कू में रॉयल में 3 साल की अप्रेंटिसशिप भी की थी। उन्हें स्पोर्ट्स कारों में खाकी रुचि थी, यानी कि उन्हें स्पोर्ट्स काफ़ी पसंद था। वहीं 1976 में उन्होंने पायलट का लाइसेंस भी ले लिया था और हवाई जहाज़ की कलाबाजियों में भी अच्छा खासा शौक था, इससे उन्होंने कई इनाम भी जीते थे। वही 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी और फिर संजय गांधी अपनी इंटर्नशिप के बीच में ही छोड़कर देश वापस आ गए, अपनी इंटर्नशिप को जो उन्होंने इंग्लैंड में स्टार्ट की थी। इसी बीच इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी में अपनी पकड़ बनाने का काम शुरू कर दिया और 1970 तक पार्टी पर एक तरफा अपना नियंत्रण रखा। वहीं 1971 में इंदिरा सरकार ने देश के मध्यम वर्ग के लिए कार बनाने के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड नाम की कंपनी बनाकर संजय को उसका मैनेजिंग डायरेक्टर बनाकर उन्हें कार के उत्पादन का कॉन्ट्रैक्ट और सह उत्पादन का लाइसेंस भी दे दिया। इससे पहले इसका कुछ हल्ला हो पाता, देश बांग्लादेश की आज़ादी के लिए पाकिस्तान से युद्ध में उलझ गया था उस समय पे। संजय गांधी आपातकाल में राजनीतिक तौर पर सक्रिय हुए और वे इंदिरा गांधी के सलाहकार के तौर पर पहचाने गए। बताया जाता है कि लगभग हर मामले में उनका सीधा दखल हुआ करता और अक्सर वे मंत्रालय और विभागों को तो सीधे आदेश दे दिया करते थे। आपातकाल की कई सख्तियों के लिए तो संजय गांधी को ही अकेला जिम्मेदार माना जाता है। आपातकाल खत्म होने के बाद 1977 में देश में विपक्ष की सरकार आई जिसका नाम था जनता दल। आपातकाल के आरोपों के चलते इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी भी हुई या फिर गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन इससे उनके प्रति सहानुभूति पैदा होने लगी और राजनीतिक हलचल कुछ ऐसी हुई कि 1980 में ही आम चुनाव की नौबत आ गई। यहां संजय गांधी ने सभी को चौंकाते हुए कांग्रेस पार्टी में ऐसी जान फूंकी कि 1980 में चतुर राजनीति के चलते इंदिरा गांधी प्रचंड जीत उनको हासिल हुई और वो सत्ता में वापस आ गई, जिसके बाद संजय गांधी कांग्रेस के महासचिव बना दिए गए। वही 23 जून 1980 को सुबह जब संजय गांधी नई दिल्ली के अफरदार जंग विमानतल के पास दिल्ली फ्लाइंग क्लब के नए विमान को उड़ा रहे थे, इस दौरान उन्होंने एरोबेटिक कलाबाजी करने का प्रयास किया, लेकिन तभी उनका विमान नियंत्रण से बाहर होकर क्रैश हो गया, जिससे उनके सिर में चोटें आई और उनकी मौत हो गई है मौके पर ही। तो इस इंसिडेंट से उनकी मौत हो गई। संजय गांधी की मौत ने देश की राजनीति की दिशा ही बदल दी। कांग्रेस में इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी की बहस चल निकली। आखिरकार राजीव गांधी को अपनी इच्छा के खिलाफ और माँ का दिल रखने के लिए राजनीति में आना पड़ा। बाद में वे देश के प्रधानमंत्री भी बने। संजय गांधी बिल्कुल अपनी मां की तरह चश्मवादी तरीके से कांग्रेस को चला रहे थे। देश के कांग्रेस शासित राज्यों में मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नियुक्त संजय गांधी के अनुसार ही होती थी उस समय पे नियुक्तियां। जी हां, लेकिन देश अलग ही दिशा में चल रहा था या फिर चल गया। तो आफ्टर ऑल पूरा सीरीज ऐसा था कि जो इंदिरा गांधी के दो बेटे थे, एक का नाम राजीव गांधी था, एक का नाम संजय गांधी था। राजीव गांधी उनके बड़े बेटे थे, संजय गांधी उनके छोटे बेटे थे।
दोनों ही इंग्लैंड यानी कि फॉरेन कंट्रीज में जाकर दोनों की स्टडी कंप्लीट हुई। और अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल कैरियर में राजीव गांधी को कोई इंटरेस्ट नहीं था स्टार्टिंग में, इंटरेस्ट था तो वो था संजय गांधी को। लेकिन संजय गांधी के साथ इशू ये हो गया कि उनकी अचानक मौत हो गई। मैंने आपको बताया था कि वो पायलट भी थे और उन्हें फ्लाइंग करने का भी शौक था, यानी कि एरोप्लेन चलाने का शौक था। उसी दौरान उनकी मौत हो गई। इसीलिए उनको अपनी माँ का मन रखने के लिए, यानी कि इंदिरा गांधी जी का मन रखने के लिए और एक उनकी विरासत को संभालने के लिए राजीव गांधी को पॉलिटिक्स में आना पड़ा। खैर, आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए कि आपको करंट में बीजेपी की पॉलिटिक्स ज़्यादा बेस्ट लगती है या कांग्रेस की पॉलिटिक्स बेस्ट लगती है। मैं आपको ये बात क्लियर कर देती हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा नहीं है हमारा, लेकिन आपसे हम सिर्फ एज एन व्यूवर्स के नाते आपसे पूछ रहे हैं कि आपको दोनों पार्टी में कौन सी पार्टी अच्छी लगती है। कमेंट सेशन में बताना बिल्कुल ना भूलें। और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए सत्य उदय मीडिया के साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।